विधायक आरिफ मसूद साहब पर लगाई गई धारा 153 हटाए जाने को लेकर विदिशा में मुआज महमूद कामिल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। माननीय विधायक जी ने जो विरोध किया है वो भारतीय संविधान और भारतीय कानून के तहत अपना विरोध प्रकट करा था, जो उनका अधिकार है। भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने वाले विधायक आरिफ मसूद साहब जैसे नेताओं पर अगर धारा 153 लगती है तो अमन परस्त लोग इस देश में अमन का झंडा कैसे बुलंद करेंगे। संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। भोपाल के इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद साहब द्वारा संविधान में तय प्रकट किया गया था, जिसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी जिससे सांप्रदायिक स्वास्थ्य खराब हो या देश के खिलाफ हो। उन्होंने सांप्रदायिक स्वास्थ्य बनाते हुए अपनी बात रखी और फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया था, ना कि भारत के किसी संवैधानिक पदाधिकारी का विरोध किया और ना ही सांप्रदायिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली बात है। माननीय विधायक जी ने जो भी विरोध किया है भारतीय संविधान और भारतीय कानून के तहत अपना विरोध प्रकट किया था, जो उनका अधिकार है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा माननीय विधायक पर पहले 188 और अब 153 सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली धारा लगाई गई है, उसे तुरंत हटाए जाए। हम विदिशावासी माननीय महामहिम राज्यपाल जी से दरखास्त करते हैं कि भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने वाले आरिफ मसूद जैसे नेताओं पर अगर धारा 153 लगती है तो अमन परस्त लोग इस देश में अमन का झंडा कैसे बुलंद करें। अतः महामहिम से विदिशावासी गुजारिश करते हैं कि आरिफ मसूद साहब से धारा 153 हटाइए। धन्यवाद। मध्य के विधायक आरिफ मसूद साहब ने संविधान एक तरीके से संविधान को आगे रखते हुए भोपाल के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन करा था, जिस पे उन्हें भोपाल शासन द्वारा 188 की कार्यवाही हुई वो सही थी, मगर परसों फिर उन्हें रात में 153 की कार्यवाही उनके ऊपर हुई, जो कि बहुत निंदनीय है। हम विदिशा के मुस्लिम त्यौहार कमेटी और मेरे साथ हर समाज और हर धर्म के लोग हैं, सभी महामहिम राज्यपाल महोदय से गुजारिश करते हैं कि आरिफ मसूद साहब पर जो कार्यवाही की गई है 153 की धारा तुरंत हटाई जाए, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का अमन और मध्य प्रदेश में अमन अमान कायम रहे। हम सब गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने वाले हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में ईद मनाते हैं उसी तरह दिवाली भी मनाते हैं, जिस तरह ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं उस तरह रामनवमी भी मनाते हैं। हम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि हम में तनाव पैदा ना करें, हम में एक दूसरे में गुस्सा पैदा ना करें, हम में जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को कायम रखें और आरिफ मसूद साहब पर 153 की कार्यवाही हुई उसकी धारा हटाई है।